हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं लिक्विड डिटर्जेंट। जी हाँ, इससे एक लिक्विड सोप बनेगा जो कि हमारे सभी काम आएगा। मेन काम है मुझे इससे अपना हेयर शैम्पू बनाना है। ये ऑर्गेनिक हेयर शैम्पू बनकर तैयार होगा और इसमें कोई केमिकल, कोई एसेंस या किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल होगा। इसकी वजह से ये बालों पर बहुत अच्छा असर करता है और मैं बराबर इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये काम थोड़ा समय लगाने वाला तो है, लेकिन एंड रिजल्ट इसका बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहें। लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए हमने ऑनलाइन रीठा की फली मंगवाई है। इस रीठे की फली को सभी जानते हैं, आजकल इसका चलन कम हो गया है, लेकिन ये कुछ दिनों पहले 30-35 साल पहले ऊनी कपड़ा धोने के काम आता था और हमने अपने घर में अपने स्वेटर की धुलाई के लिए इस रीठे का इस्तेमाल करते हुए देखा है। खासकर गरम शॉल या ओसवाल के जो गरम उलेन कपड़े होते थे या उलेन स्कूल स्वेटर होते थे, तो वो इसी रीठे के पानी से धोया जाता था। तो मैं इसका एक लिक्विड बनाकर रखूँगी जिससे मैं अपना होममेड शैम्पू, हैंड वॉश और डिश वॉश बनाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहें और इसके स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ पर हमने 250 ग्राम ये रीठा फली मंगवाया है और आज इसका आधा हिस्सा मैं डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले इसे तोड़कर इसकी गुठलियों को निकाल लेना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस रीठे को तोड़ा है इस हथौड़ी से। आप इसको तोड़ने के लिए सील और बट्टे वाला बट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से मैंने इसके सारे बीज को निकाल लिया है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रीठा है। लगभग 33-34 दाना ये है। तो अब इस रीठे को मैं रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने शीशे का एक बड़ा सा प्याला लिया है और उसमें रीठे की इस फली को डाल देना है। साथ ही इसको भिगाकर हमें रात भर छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ 1 लीटर पानी और देखिए अभी से ही इसमें झाग आने लगा है। तो दोस्तों, रात भर रीठा हमारा पानी में फूलता रहा है और अब सुबह का 10 बजा है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का हो चुका है। अब मुझे इसे बॉयल करना है। ये ज़्यादा नरम तो नहीं हुआ है, लेकिन अब इससे झाग निकलना शुरू हो चुका है, ये इस तरह से। तो अब मैं इसे चूल्हे पर चढ़ाकर थोड़ा देर बॉयल करने वाली हूँ। तो अब इस पतीले में मैं इस रीठे को डाल देने वाली हूँ और इसे थोड़ी देर तक बॉयल कर लेना होगा। आप देख सकते हैं कि झाग अभी से निकलना शुरू हो चुका है। जिन लोगों को आंवला और शिकाकाई की फली का इस्तेमाल करना है, उन्हें रीठा की तरह उसे भी रात भर सोक कर लेना होगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि छान लेने के बाद भी इसके फली में अभी बहुत सारा झाग दिख रहा है। तो मैं इसमें दोबारा पानी मिलाकर फिर से इसे छान लूँगी ताकि इसका थोड़ा सा भी झाग बर्बाद ना जाए। और ये हमारा एक तरह का हर्बल शैम्पू तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम इससे डायरेक्ट ही बाल धोएंगे तो ये बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। तो जिन लोगों ने बालों में ऑयलिंग किया है, जिनके बाल बहुत गंदे हैं, वो इससे डायरेक्ट धो सकते हैं। लेकिन जिनके बाल बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हैं, उन्हें इससे डायरेक्ट नहीं धोना चाहिए। इसमें शैम्पू बनाने के लिए शिकाकाई और आंवला ज़रूर मिला लेना चाहिए। और जिनके बाल बहुत ही सॉफ्ट हैं, उन्हें शिकाकाई की मात्रा ज़्यादा रखनी है और रीठा कम मात्रा में डालना है। रीठा बालों को वॉल्यूम देता है और सफाई करता है। आंवला बालों को कलर देता है और शिकाकाई बालों को चमक देता है, मुलायम रखता है और बहुत ही सिल्की रखता है। जार में रख के आप इसका शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इससे अपने प्योर ऊल के स्वेटर धो सकते हैं, शॉल धो सकते हैं। इससे अपने सोने चांदी के जेवर की सफाई कर सकते हैं।
साथ ही जरी किनारी वाला जो बॉर्डर होता है वैसे कपड़े को धो सकते हैं। लचका, गोटा, पट्ठा किसी भी चीज़ की सफाई इससे करेंगे तो उसकी चमक बरकरार रहेगी। जैसे दबके का काम होता है, मुकेश का काम होता है या सलमे का काम होता है, तो इस पानी से धोने पर आपका जो सलमा या लचका है उसका रंग खराब नहीं होगा, और अगर कॉटन का कपड़ा भी इससे आप धोएंगे तो चमक बनी रहेगी। गोल्डन किनारियों वाली क्रॉकरी को इस पानी से धोने से उसके चमक में कमी नहीं आती। मैंने दोबारा रीठा को छानकर पानी निकाला है और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी झाग बना हुआ है। अब मैं इसे किसी कांच के बॉटल में रख लूँगी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूँगी। अगर शैम्पू में थोड़ा सा मेथी दाना मिला लिया जाए तो कंडीशनर का इफ़ेक्ट आता है। अगर बालों में ईचिंग है और जुए हैं तो नीम का पत्ता इस्तेमाल करें, और अगर उसमें थोड़ी सी खुशबू चाहिए तो इस्तेमाल किया हुआ संतरे का छिलका या नींबू का छिलका उबाल लें तो इससे बहुत ही खुशबूदार शैम्पू तैयार हो जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। अब इस तैयार रीठा के पानी में मैं 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर और 2 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर मिलाने वाली हूँ। हालांकि अगर हमारे पास फली अवेलेबल होता तो मैं शिकाकाई और आंवला की फली ही इस्तेमाल करती। पाउडर इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होता, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो इसमें इस्तेमाल करें। और अब ये एक परफेक्ट शैम्पू बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें आंवला, शिकाकाई और रीठा तीनों के गुण हैं। आंवला की जो भी खूबी है आप उसे नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट शैम्पू तैयार है। अब इसे अच्छी तरह से घोल लेना है और चूल्हे पर चढ़ाकर बॉयल आने तक पका लेना है। उबाल लेने से शैम्पू ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यूँ तो इसे इसी तरह से इंस्टेंटली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर उबालने के बाद ये जल्दी ख़राब नहीं होता और फ्रिज में रखकर ये महीने से 3 महीना तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आंवला, शिकाकाई और रीठा के गुण आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। यूँ समझे कि बालों की जितनी समस्या है उसका एकमात्र अचूक रामबान है ये शैम्पू। आप इसे ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। आपको फ़र्क पहले ही एप्लीकेशन पर दिखेगा, और अगर 2 से 3 महीना आप इसे इस्तेमाल कर लें तो वक्त से पहले होने वाले सफ़ेद बाल परमानेंटली काले हो जाएंगे, और जो बाल टूटते हैं वो टूटना रुक जाएगा, बाल ठीक हो जाएंगे, बालों के वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बालों में जो रूसी होती है, इचिंग होती है या जो दुमे हुए बाल होते हैं वो सारे समस्या इससे ख़त्म हो जाने वाली है। तो इस शैम्पू को बनाना आसान है, और ये मैंने पहले से बनाया हुआ शैम्पू है, बनने के बाद, गाढ़ा होने के बाद इसी तरह का दिखेगा। और ये शैम्पू आप बना कर रख लें तो आपको फिर किसी शैम्पू से धोने में अच्छा ही नहीं लगेगा और आप इस शैम्पू के आदि हो जाएंगे। हर्बल शैम्पू के नाम पर आजकल मार्केट में बड़ा धोखाधड़ी है, और ये शैम्पू जो आप घर में बनाएंगे उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बहुत कम लागत पर बहुत ही अच्छा शैम्पू घर में बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये शैम्पू हमारा पककर तैयार हो गया है। पका लेने से ये फ़ायदा होता है कि ये ख़राब नहीं होगा और इसे मैं महीनों इस्तेमाल कर सकूँगी। अब इसे ठंडा करने के बाद बोतल में भर लेना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं शैम्पू बनकर तैयार है और ये ठंडा हो चुका है। तो आइए इसे कांच के जार में भर लेते हैं। देखिए, इसे बनाने की खुशी ही कुछ और होती है, और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आप समझेंगे कि आपने कितने कमाल की चीज़ घर में तैयार की है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रेसिपी पर। थैंक यू।